रोगन भाई, पूजा कह रही थी कि आपको कुछ जरूरी बात करनी है मुझसे। बच्चों की जो सगाई है उसी के बारे में बात करनी है। सगाई और शादी दोनों के बारे में बात करनी है मुझे। जी। पर पापा, सारी बातें तो हो चुकी है ना? और काका, आप तो आपने समीर के बारे में जो भी पता करना था सब पता कर लिया। हाँ बेटा, जो मैंने पता किया था वो इसका बीता हुआ कल था, और आज मुझे इसके आने वाले कल के बारे में बात करनी है। देखिए भाई साहब, जो भी बात हो बैठकर सुलझाई जा सकती है। अगर आपको हमसे कोई शिकायत हो तो। आपसे और गोवर्धन भाई से तो मुझे शिकायत हो ही नहीं सकती है। लेकिन हाँ, मैं आपके बेटे समीर से कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ समीर, ये तो सच है ना कि पिछले 5 साल से तुम अपने माता पिता के साथ नहीं रह रहे? जी हाँ, वो क्या था कि रमाकांत जी, दरअसल बात यह है कि हम जहाँ पहले रहते थे ना, वो घर छोटा था। जब उसने मुझसे कहा कि अलग रहना चाहता है तो हमने मना नहीं किया। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि 3 साल ही अपने दोस्तों के साथ रहा, और पिछले 2 सालों से ये पूजा के साथ रह रहा था। पापा, ये सब तो पुरानी बात है ना, और इसके लिए मैं आपसे माफी भी मांग चुकी हूँ। और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। देखिए भाई साहब, अब बच्चों से गलती हो चुकी है। उस दिन भी हमने इस बारे में बात की थी। अगर उस गलती को लेकर आप इलेवन, एक बार मेरी बेटी से गलती हुई है क्योंकि मुझे उसका पता नहीं था। दोबारा इससे कोई गलती नहीं होगी और ना ही मैं होने दूंगा। समीर, अब मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि पूजा से शादी के बाद तुम पूजा को कहां रखोगे, और उससे भी जरूरी बात कि तुम तुम्हारे होने वाले बच्चे को कहां रखोगे? पापा, हम यही रहेंगे। हाँ बिल्कुल है ना समीर। मैं सोच रहा था कि मैं समीर रहना मुझे भी है। क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था कि कोई किराए का घर देख लेते तो। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो। रोशनी, यश जोकर, लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तुम ये सब। पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना। तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं, नहीं। खून, खून के बदले कौन? नहीं। पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाई। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। पुनंदता ही थी माँ,
जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।